बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइंस एंड इंस्टीट्यूट में खुश आमदेद। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें उसके साथ साइंस होते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन का क्या फर्क है, इसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और एलजेब्रा की बेशुमार वीडियोज हैं एलजेब्रा के टॉपिक को लेकर। तो आज ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज आप ये जानेंगे कि किस कितने तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं एलजेब्रा में और उनके क्या नाम हैं। नाउ फोर टाइप्स हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। नंबर वन मोनोमियल, टू बाइनोमियल, थ्री ट्राइनोमियल, फोर पॉलीनोमियल। अब नाम के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ और एग्जाम्पल के साथ आपको बताती जाती हूँ। मोनोमियल, मोनो मोनो मतलब होता है एक, जैसे कि हम कलर्स में भी इस्तेमाल करते हैं मोनोक्रोमैटिक स्कीम, ठीक है, मोनोपोली। मोनो मतलब होता है एक। तो लव इसके अंदर ही इसका आंसर है, मोनो मींस वन, और ऐसी टर्म जिसमें एक ही टर्म हो अलजेब्रा में उसको मोनोमियल कहते हैं। इसकी एग्जांपल है 3x, 4y स्क्वायर, 4xy स्क्वायर, ठीक है। और भी आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें कोई भी एक ही टर्म हो, 3mn। नंबर टू बायनोमियल, बाय मतलब होता है टू, जैसे बाय साइकिल, बायलैटरल, बाय का मतलब होता है टू। ऐसी टर्म जिसमें दो टर्म्स हों, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों उसको बायनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल इज 2x प्लस 3y, 4xy स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर। इनमें दो दो टर्म्स हैं, तो दो दो टर्म्स के साथ जो भी एक्सप्रेशन होगी वो बायनोमियल कहलाएगी। नंबर थ्री ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब है तीन, ट्राईसाइकल, ट्राइएंगल, ठीक है। नाम से ही आप समझ गए हैं कि इसमें है तीन टर्म्स, तो तीन टर्म्स के साथ जो एक्सप्रेशन होगा वो ट्राइनोमियल होगा। एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 6z, इसमें तीन टर्म्स एक साथ आ रही हैं और तो ये है ट्राइनोमियल। पॉलीनोमियल, पॉली मींस मैनी, पॉली मींस मैनी, मैनी से मराद ये है कि अब जाहिर सी बात है तीन से ज्यादा जो होंगे वो पॉली में आ जाएगा, तीन के बाद चार पांच छह कितने भी टर्म्स होंगे वो पॉलीनोमियल होगा। एग्जाम्पल एक्स हो प्लस 2x क्यू प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4, इसमें टोटल 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं, मोर देन 3 हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और जानेंगे कुछ नया। स्टे ट्यून्ड।